जिले में खाद्य सुरक्षा के तहत करोड़ों का कालाबाजारी, ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। मऊ जनपद के जिला कलेक्टर परिसर पर गांव बचाओ के लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र खाद्य की भारी क्षति पहुंचाने जाने पर जमकर नारेबाजी किया और कहा कि जिला पूर्ति अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी की मिलीभगत से मार्च और अप्रैल के खाद्य को बिना ग्रामीण क्षेत्र की जनता में ना बेचकर सीधे काले बाजारी में बेचा जा रहा है और करोड़ों का गोलमाल किया जा रहा है, जिसके खाद्यान्न में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपने को कहा है, जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं गांव बचाओ के संयोजन ने बताया कि जो खाद्य व्यवस्था के सरकार ने लागू किया है ये गरीबों को छोड़कर अमीरों में बांटा जा रहा है और सभी दुकानदार करोड़ों का घायला कर रहे हैं। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि गांव बचाओ मार्चों ने लोगों ने आरोप लगाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 2-3 महीनों से सही ढंग से खाद्य वितरण नहीं हो रहा है, जिसमें जिला अधिकारी महोदय खाद्य क्षेत्र के दुकानदारों और 40 गांव की यात्रा गृहस्थित करें जांच हो रही है और नई यात्रा है उनको जोड़े जा रहा है और पुराने हैं उनकी जांच की जाए, कार्यवाही की जाए रही है, लेकिन वीडियो और ऑडियो अस्थित अधिकारियों की एक अभियान चला रहा है, ये यात्रा को खारिज कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अमरनाथ। ये खाद्य व्यवस्था जो सरकार ने लागू किया है गरीबों के लिए, ये अमीरों में बांटा जा रहा है और सब घपला कर रहे हैं दुकानदार, और यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से ऐसा हो रहा है। जितने लोग इस जनपद में लाइसेंस होल्डर हैं वो डकैती डाल रहे हैं, एक तरह से कह लीजिए, न कहीं गाँव में वितरण हो रहा है न कोई बात हो रही है। ये अभी गांव बचाओ मोर्चा की तरफ से जिलाध्यक्ष जगन्नाथ सिंह और संयोजक बाल गोविंद सिंह, गुरु सिंह, छोटेलाल गांधी जी, साहनी जी, सब लोग आए थे। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो अपात्र गृहस्थी शामिल हो गई हैं, इसे पात्र वंचित हो गए हैं, और वितरण की भी शिकायत थी कि गांव में भी वितरण पिछले 2 महीने में सही ढंग से नहीं है। ये अभी जिलाधिकारी महोदय 40 शहरी क्षेत्र के दुकानदारों की पूरे पात्र गृहस्थियों की जांच हो रही है, उसमें पात्र जोड़ा जाएगा और अपात्र निकाला जाएगा। देहातों में भी कार्रवाई अपात्रों को छापने की शुरू कराई गई है, परंतु अभी BDO SDM लेवल पर है, वहाँ भी जिला स्तरीय अधिकारियों को एक अभियान चला करके जागरूकता पैदा करके उसको अपात्रों को खारिज कराया गया है।